हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको नवरात्रि स्पेशल इंस्टेंट डोसा बनाकर दिखाने वाली हूँ। आप इसे बहुत ही कम समय में झटपट तैयार कर लेंगे और ये बहुत ही टेस्टी बनता है। तो आइए शुरू करते हैं। नवरात्रि स्पेशल डोसा बनाने के लिए हमें चाहिए, मैंने यहाँ पे आधा कप समा के चावल लिए हैं और ये गोल गोल बहुत ही बारीक दाने जैसे होते हैं और ये व्रत में खाए जाते हैं। 2 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे साबूदाना लिया है, आधा चम्मच चीनी, नमक हम स्वाद अनुसार लेंगे, मैंने यहाँ पे सेंधा नमक लिया है, 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर और स्टफिंग के लिए मैंने यहाँ पे 4 उबले हुए आलू लिए हैं, आधा चम्मच जीरा, 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, आधा चम्मच से थोड़ा सा कम मैंने यहाँ पे सूखा धनिया लिया है। इसी तरीके से मैंने थोड़ी सी अदरक ली है जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया है, रिफाइंड ऑयल लिया है और हरा धनिया लिया बारीक कटा हुआ। सबसे पहले हम इनका पाउडर बना लेंगे। समा के चावल डाल लेंगे, साबूदाना, और चीनी भी डाल लेंगे और इनका हम पाउडर बना लेंगे। ये देखिए, मैंने सभी चीज़ों का पाउडर बना लिया है। अब हम इसमें पाउडर डाल लेते हैं जो अभी हमने बनाया था। अब हम इसमें 1/4 चम्मच सेंधा नमक डाल लेते हैं। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। इसी तरीके से 1/4 चम्मच मैंने यहाँ पे काली मिर्च पाउडर लिया है और सभी को मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें पानी डाल लेंगे। पानी हमें इसमें थोड़ा ज़्यादा ही रखना होता है। पाँच मिनट के लिए हम इसे ऐसे ही रहने देते हैं जब तक हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। गैस ऑन कर लेते हैं। अब हम इसमें 2 चम्मच के करीब रिफाइंड ऑयल डाल लेते हैं, आप चाहे तो देसी घी भी ले सकते हैं। और तेल को हम गर्म होने देते हैं। तेल गर्म हो गया है, अब हम इसमें सूखा धनिया डाल लेते हैं। मैंने इसे हाथों से क्रश कर लिया था और इसे हम भुनने देते हैं। ये देखिए, धनिया भुन चुका है। अब हम इसमें जीरा डाल देंगे। धनिया को हमने इसलिए पहले भुना था क्योंकि वह धनिया कच्चा रह जाता है। अब हम इसमें हरी मिर्च और अदरक भी डाल लेते हैं। गैस हम कम कर देंगे। अब हम इसमें आलू डाल लेते हैं। मैंने इन्हें मैश कर लिया है और इन्हें हम चला लेंगे। अब हम इसमें नमक डाल लेते हैं। मैंने यहाँ पे सेंधा नमक लिया है। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार भी डाल सकते हैं। आधा चम्मच से हल्का सा कम मैंने काली मिर्च पाउडर लिया है, आप चाहें तो लाल मिर्च पाउडर भी ले सकते हैं। अब हम इन्हें मिला लेंगे। अब हम इसमें हरा धनिया भी डाल लेते हैं और सभी को मिक्स कर लेंगे। ये स्टफिंग बहुत ही टेस्टी लगती है, आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं और हम डोसा के बीच में स्टफ करेंगे इसे। स्टफिंग तैयार है, गैस बंद कर देते हैं। अब हम डोसा बना लेते हैं। तवा गर्म हो गया है, अब हम इसमें थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल लेते हैं और इसे टिश्यू पेपर से हम इसे चिकना कर लेंगे। फ्रेंड, जब भी डोसा बनाने लगें तो एक बार बैटर को जरूर मिक्स कर लें क्योंकि सारा पाउडर नीचे जम जाता है।
इसे हम ऐसे ही फुल गैस पे एक दो मिनट सिकने देंगे। जब इसका कलर इस तरीके से हो जाएगा तब हम इसमें ऑयल लगा लेंगे। आप इसे ऐसे ही सिकने दें जब तक थोड़े से ये ऊपर से इसका गर्म थोड़ा चेंज ना हो जाए। थोड़ा सा जब ये लगेगा कि हल्का सा सिक चुका है तब हम इसको चेक कर लेंगे। फ्रेंड्स, इसे बनाने में बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें, इसे सिकने में थोड़ा टाइम लगता है। देखिए अभी भी इसका कलर थोड़ा सा थोड़ा चेंज हुआ है। जब तक इसका कलर ऊपर से अच्छी तरीके से ब्राउन ना हो जाए तब तक हम इसको बाहर नहीं निकालेंगे। और आपको लगेगा कि ये जल रहा है पर जलेगा नहीं, ये अच्छी तरीके से क्रिस्पी हो रहा है। फ्रेंड्स, आपको लगेगा कि आप इसे निकाल नहीं पाएंगे पर जब अच्छी तरीके से सिक जाएगा तो आप इसे इजीली बाहर निकाल पाएंगे। ये देखिए अब इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया है, ब्राउन हो गया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। और ये बहुत ही बढ़िया बना है। अब हम इसमें स्टफिंग कर लेते हैं। आप बिना स्टफिंग के भी बना सकते हैं। और आप देख सकते हैं कितना करारा बना है। ये देखिए, आप इसकी आवाज़ से पहचान सकते हैं कि कितना करारा है। इसी तरीके से हम दूसरा भी बना लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना करारा बना है। ये देखिए, इसकी आवाज़ से आप पहचान सकते हो कि कितना करारा है। फ्रेंड्स, इतने बैटर से मेरे 3 डोसे तैयार हुए हैं। और बस फ्रेंड्स, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि जब भी आप बैटर बनाएं और जब डालें तो ये ध्यान रखें कि इस तरह की जाली बनना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका बैटर इस तरीके से आ रहा है तो समझो अभी आपके बैटर में पानी डालने की ज़रूरत है। हमें जब तक ऐसा नहीं मिलेगा तो ये क्रिस्पी नहीं होंगे और ये आराम से उठ नहीं पाएगा। अगर आपका इस तरीके से है तो आप उसमें पानी डालें तभी ये प्रॉपर बन पाएगा। फ्रेंड्स, ये डोसा भी तैयार हो गया है पर मैं इसे बिना स्टफिंग के बना रही हूँ। फ्रेंड्स, उतने बैटर से मेरे यहाँ पे 3 डोसे तैयार हुए और ये बहुत ही क्रिस्पी और परफेक्ट बने हैं। ये देखिए, फ्रेंड्स, आप इन्हें बिना स्टफिंग के या स्टफिंग के साथ भी बना सकते हैं। और आप इन्हें नारियल की चटनी या अपने मनपसंद चटनी के साथ खा सकते हैं। आप इन्हें घर पर ज़रूर ट्राई करें, आपको ये बहुत पसंद आएंगे। और मैं आपको दिखाती तोड़ कर फ्रेंड्स। ये देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं। आप इसकी आवाज़ से ही पहचान, आप इसकी आवाज़ से ही देखिए। देखिए हर किसी के मुंह में पानी आ जाएगा जब इस तरीके से देखेगा तो उसका मन करेगा कि मैं नवरात्रों में ही क्यों वैसे भी बना कर खाऊँ। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें। और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो जल्दी मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।